हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। फिलहाल मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। और रात को सोने से पहले छोले भिगो दिए थे क्योंकि बच्चों की खास फरमाइश थी, काफ़ी दिन हो गए थे और ये रेसिपी ना मैंने बनाई भी नहीं थी। हाँ, आज की रेसिपी बहुत खास होने वाली है। वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और वीडियो पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, आप लोग वीडियो देखते हो लाइक करना भूल जाते तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है एक बेहतर और एक अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। फिलहाल ये रेसिपी जो है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये रेसिपी मैंने अपने पास ही एक स्ट्रीट वाले भैया से ही सीखी है, यानी दुकान वाले भैया से रेसिपी मैं सीख कर आई, क्योंकि उनके छोले काफ़ी फेमस है और काफ़ी भीड़ लगी होती है। तो मैंने सोचा चलो भाई आज क्या स्पेशल है इनकी रेसिपी में, इनसे जान लिया जाए। तो मैं उनके पास गई, उनसे रेसिपी सीखी और फाइनली वो रेसिपी मैंने अपने घर पर बनाई और बेहतर लाजवाब ज़बरदस्त बनी थी। तो मैंने सोचा चलो ये रेसिपी आप लोग साथ शेयर की जाए। तो चने को रात भर भिगो लिया था और फाइनली उसे कुकर में डाल दिया है, साथ में कुछ सूखे आंवले डाल दिए थे और इस तरह से ना चाय पत्ती का पानी, यानी चाय पत्ती को पानी में उबाल लिया था अच्छी तरह से, वो डाल दिया है। चाय पत्ती की पोटली भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने इस तरह से चाय पत्ती का पानी डाल दिया। अब बस छोलों को हमें गलने तक पकाना है। हाँ, छोलों में नमक डाला है मैंने, इससे क्या होता है चनों में ना नमक का स्वाद आ जाता है। फिलहाल प्याज और टमाटर काट लिए थे, यहाँ पर कुछ प्याज को गोल पीसेस में काटा है मैंने और कुछ की प्योरी बनाऊंगी। तो ये दो बड़े साइज के प्याज हैं और दो मीडियम साइज के टमाटर की प्योरी बनाने वाली हूँ मैं। ये देखो छोलों को इतना गला लिया है मैंने, छोले अच्छी तरह से पक चुके हैं और प्याज को फाइनली चॉप किया है, प्रिपरेशन कर लिया है मैंने। आटा लगाकर साइड में रख लिया क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और सभी को ब्रेकफास्ट करना है, यानी सुबह सुबह जब ये रेसिपी का नाम सुना ना बच्चों ने तो काफ़ी भूख लग गई। अक्सर मेरे बच्चों की फेवरेट है छोले भटूरे, मेरे हाथ के छोले भटूरे काफ़ी मेरे बच्चों को पसंद है और मेरे जानने वालों को भी काफ़ी पसंद हैं, लेकिन मैदा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो फाइनली मैंने सोचा चलो आज तुम्हें वहाँ के छोले भटूरे चखाती हूँ मैं। तो फिलहाल तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में सरसों का और एक बड़ा चम्मच भर के, यहाँ कुछ खड़े मसाले ले लिए, ऑप्शनल है आपके पास जो भी है वो आप ले सकते हो। मैं फिलहाल नॉर्मली यही मसाले यूज़ करती हूँ, एक तेज़पत्ता, दालचीनी के टुकड़े और एक बड़ी इलायची। आप चक्री फूल डाल सकते हो, लौंग डाल सकते हो, हरी इलायची डाल सकते हो, मतलब खड़े मसाले ऑप्शनल है जो आपके पास अवेलेबल है डाल सकते हो, इससे एक स्ट्रांग फ्लेवर आता है आपकी रेसिपी में। फिलहाल यहाँ पर कुछ लहसुन की कलियों को मैंने छील लिया है इस तरह से 3 से 4, और तेल गर्म हो गया था, मसाले लाल हुए, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है प्याज। बस अब मीडियम फ्लेम पर ना प्याज को लगातार चलाते हुए हमें गोल्डन फ्राई करना है। प्याज को बस इतना हमें यहाँ पर भुनना है कि प्याज का रंग चेंज हो जाए, उसका कच्चापन दूर हो जाए, तो यानी एक हल्का सा गोल्डन कलर उसके ऊपर आ जाए। और यहाँ पर मैं जब रेसिपी बना रही थी ना तो गुप्ता जी भी आ गए थे, क्योंकि मेरे साथ वो भी गए थे उस स्ट्रीट वाले भैया के पास। तो उन्होंने कहा रुको मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पर प्याज हल्के हल्के गुलाबी हो रहे थे, उन्होंने लहसुन को बारीक बारीक चॉप कर लिया था और लहसुन को भी प्याज के साथ डाल दिया। इतनी देर में मैंने दो टमाटर की प्योरी यहाँ बना ली थी। चलिए अब चलते हैं अपने रेसिपी के मेन इन्ग्रीडियंट्स यानी मसालों की तरफ, जिनके ऊपर सारा किरदार यानी सारा दारमदार होता है हमारी रेसिपी का। तो एक बड़ा चम्मच यहाँ धनिया पाउडर ले लिया है मैंने, ये है मेरा गरम मसाला जिसमें मैंने जीरा पाउडर आधा चम्मच, आधा मतलब एक चौथाई चम्मच और एक चौथाई चम्मच गरम मसाला दोनों मिलाकर एक डब्बे में रख लिया है, तो दोनों को मैं बराबर मात्रा में इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाली है और एक चम्मच भरकर यहाँ पर छोले मसाले डाले हैं यानी चना मसाला। आप कोई भी ब्रांड का ना चना मसाला इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी यहाँ पर। तो चलिए अब पानी डालकर मसालों को भिगो दिया और यहाँ पर मैंने ये जो छोटा पैकेट आया था ना जिंजर गार्लिक पेस्ट का 5 रुपये वाला, 5 रुपीज़ वाला, फिर वही मैंने यहाँ पर पूरा डाल दिया है, इसे भी अच्छी तरह मिला लिया। हाँ, दुकान वाले भैया क्या अलग से लहसुन अदरक कूटते नहीं, उनके पास तो ये रेडीमेड पाउचेस लेकर आते हैं वही डालते, तो मैंने भी यहाँ पर इसलिए रेडीमेड पाउच का ही इस्तेमाल किया है। चलिए अब लहसुन अदरक 1 मिनट भुनने के बाद मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी, साथ ही 1 चम्मच पानी। अब इसे भून लिया है अच्छी तरह से, जिससे एक रोगन वाला कलर अच्छी तरह से आ जाए रेसिपी में और रेसिपी हमारे देखने में ज़बरदस्त लगती है। देखो ऑयल किस तरह सेपरेट हो गया है, अभी मसाले नहीं डाले और ये देखो कितना अच्छा कलर आया है ना, फिर यहीं पर मसाले ऐड कर दिए थे। मसालों को पानी में भिगोने से एक फ़ायदा होता है, आपके मसाले तेल में जलते भी नहीं हो, इसके बाद जो रेसिपी में ये भुने जाते हैं यानी इनके साथ जो रेसिपी बनती है ना उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। चलिए थोड़ा सा पानी मैंने उसी कटोरी में और था और 1 चम्मच के करीब मिलाकर डाल दिया था और मसालों को 2 से 3 मिनट इस तरह से ना अच्छी तरह से भून लिया। अब ग्रेवी देखकर ही आपको लग रहा होगा कि हाँ ज़बरदस्त बनने वाली है ये रेसिपी। फिलहाल आंवले जो डाले थे ना छोले में उसे निकाल लिया था और उसे बारीक बारीक काट लिया, बच्चे ना थोड़े
मतलब ये क्या डाल दिया मम्मी, अगर उनके बाइट में आ जाता तो उसने इसे एकदम बारीक काट लिया था। बस देखो मसालों ने जब अच्छी तरह तेल छोड़ा है ना, तो बस यहीं पर टमाटर ऐड कर दिए थे। और आप देख रहे हो ग्रेवी हमारी कितनी जबरदस्त बन रही है, देखने में ही कितनी सुपर लग रही है ग्रेवी। अभी तो ये ग्रेवी बहुत जबरदस्त बनी है। अब बस टमाटर डालने के बाद ना 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर ढक दिया था। ये देखो तेल सेपरेट हुआ, पर यहाँ मिक्सर जार में ना 1/4 कप पानी डाल दिया फिर हमने। और फिर से ये देखो ग्रेवी सब मिला लिया। दूसरी तरफ ना कढ़ाई में ना कसूरी मेथी भी रोस्ट कर ली थी। हाँ ब्लैक सॉल्ट, जब भी छोले बने ना ब्लैक सॉल्ट को बिल्कुल मत भूलना, इसे जरूर डालना। तो हमारे पास ब्लैक सॉल्ट पैकेट वाला खत्म हो गया था, वो जो गुप्ता जी ये लेकर आए थे, जिन्हें ना कूटने में काफी समय लगता है। फिलहाल एक छोटा पीस मैंने नैतिक को दिया और वो लग गया था उसकी कूटा कूटी करने में। फिलहाल उसने उस तरह कूट कर दिया, तो गुप्ता जी ने उसे डाल दिया था। यहाँ पर कसूरी मेथी क्रश करके डाल दी। और ये देखो हाँ, इसके बाद जो ग्रेवी की खुशबू आती है ना, मतलब आपको ग्रेवी देख के अंदाजा लग रहा होगा कि छोले बहुत जबरदस्त बनते हैं। बिल्कुल आप मार्केट वाला टेस्ट मिस करते हो अगर घर पर ना, तो ये रेसिपी 100% ट्राई करना, आपको उससे बेहतर टेस्ट मिलने वाला है। और जैसे ही हम मसालों ने तेल छोड़ा, टमाटर पक गया था, इसमें 4 से 5 मिनट का समय लगा था, मीडियम फ्लेम पर छोले ऐड कर दिए थे। और जो आंवला हमने काटा था ना बारीक बारीक, ऑप्शनल आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, मैंने तो डाल दिया क्योंकि आंवला खाना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और इस तरह से डाल दो तो पता भी नहीं चलेगा रेसिपी में, और बच्चे भी खा लेंगे आराम से। अब बस ये देखो अब रेसिपी हमें थोड़ी देर और पकानी है, और पकने के बाद इस तरह की थिकनेस चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1/2 गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि मैं अब इसे धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट पकाऊंगी। ये देखो इतना पतला रखा भी मैंने। और ग्रेवी देखो, ऊपर से कलर देखो रेसिपी का, जबरदस्त है, बिल्कुल मार्केट वाला लग रहा है ना। फिर क्या था, एक अच्छा सा उबाल दिया हाई फ्लेम पर, धीमी आंच पे यानी लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक दिया था मैंने 7 से 8 मिनट के लिए। बीच बीच में चेक भी किया है, ये देखो कितनी जबरदस्त बन रही है ना। और यकीन मानिए ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करना। हाँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर बताऊंगी मैं, किचन किंग मसाला, जो कि मैंने आधा छोटा चम्मच यहाँ पर डाला है। और उसे डालने के बाद फिर से 3 से 4 मिनट यानी बीच में डाल दिया था, 3 से 4 मिनट इसे पका लिया है। फिर गोल पीसेस काटे थे ना टमाटर के, छोले वाले भैया जो अपने स्ट्रीट पे रखते हैं ना ऊपर से सजा देते हैं टमाटर, तो मैंने यहाँ इस तरह से डाल दिया है। और हाँ कुछ आलू उबले हुए पड़े थे तो गुप्ता जी ने उसे भी फ्राई कर लिया है साइड में। ये देखो इस तरह से फ्राई किया है, सिर्फ नमक और लाल मिर्ची डाली है उसमें, और हल्का सा आमचूर बस। क्या हमने देखा ना स्ट्रीट वाले भैया वो जो अपने स्ट्रीट स्टॉल पे लगाते हैं छोले, ऊपर से टमाटर हरी मिर्च और आलू वगैरह से उसको ऊपर से सजा देते हैं, तो काफ़ी देखने में यूनिक लगता है, अच्छा भी लगता है, और ना टेस्ट कैसा भी हो लेकिन देखकर खाने का मन कर जाता। तो बस इसीलिए हमने भी पूरी वही तैयारी की जैसे जैसे उन्होंने बताया था, पूरे स्टेप्स फॉलो किए हैं। और यकीन मानिए बनाने के बाद ना बिल्कुल भी आप नहीं कहेंगे कि वो स्वाद आपकी थाली में नहीं आया, उससे भी गजब जबरदस्त। तो रेसिपी ट्राई करना, वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। हाँ बनाने के बाद आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, बच्चों को, बड़ों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके प्लीज़ मुझे बताना, मेरी रेसिपी ट्राई करना। और आई होप आपको अपने उम्मीद से दुगना ही मिलेगा, क्योंकि मेरी रेसिपी यूनिक है और आपको कम बजट में आपके घर के सामान से ही बनाई जाने वाली वही रेसिपी मैं आप लोग से शेयर करती हूँ, क्योंकि जो आसानी से आपके घर में बनाई जा सके, आपके बजट को अफोर्ड कर सके, मेन चीज़ होती है आपके बजट को अफोर्ड कर सके, स्वाद भी चाहिए बेहतर और बजट को भी अफोर्ड करे, वही रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रोत्साहन आप लोग का मुझे काफ़ी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर किया कीजिए, मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हो तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपको। हाँ अपने कुछ सुझाव भी मुझे बताइए कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए और क्या शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ हूँ और जो अपनी फैमिली के डेली रूटीन में मैं शेयर करती हूँ, अपने मंथली बजट को संभालते हुए, अपने फैमिली के टेस्ट का, सेहत का ख्याल करते हुए रेसिपीज जो भी मैं यहाँ इंजॉय करती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आती होगी, तो प्लीज़ लाइक का बटन प्लीज़ ज़रूर दबा देना, कमेंट्स करना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ तल ली थी, सिंपल नॉर्मल पूरियाँ, आटे में कुछ भी नहीं मिलाया था, नमक अजवाइन भी आज मैंने नहीं मिलाया, क्योंकि मुझे आज इन छोलों को इसी तरह की पूरी से इंजॉय करने का पूरा मूड बनाया था मैंने। फिर क्या था, ये देखो मैं छोले आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, देखिए। हाँ ग्रेवी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप राइस से इंजॉय करने वाले हो या सिर्फ पूरियों से, मैं यहाँ पर फिलहाल इसे राइस से भी इंजॉय करूँगी, क्योंकि राइस बनाए हैं मैंने तो
थोड़े से बनाए, जिन्हें खाना है वो खाएंगे, बाकी तो पूरियों की ही डिमांड है आज। तो छोले यहाँ पर मैंने सर्व कर दिए, साथ में गर्मा गर्म पूरियाँ हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगी थी आज इन छोलों के साथ। और सच मानो बाहर ज़्यादा आप इस एक प्लेट के लिए पे करते हो, उससे कम बजट में घर में बनाओगे और बेहतर और काफ़ी टेस्टी भी बनेगा। साथ में प्याज हरी मिर्च सर्व कर दी थी, ऊपर से जो आलू हमने फ्राई किया था ना वो रख दिया है। आप इसे अचार भी इंजॉय कर सकते हो, लेकिन नहीं, इन छोलों के साथ मैं बिल्कुल भी अचार नहीं लूँगी, क्योंकि इन छोलों का टेस्ट ही ना बहुत गजब का है, बहुत ज़बरदस्त। तो पूरी तरह इन छोलों को हमने इंजॉय किया है और काफ़ी ज़बरदस्त बनी थी रेसिपी। तो प्लीज़ वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ मेरी रेसिपी ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिलहाल गर्मा गर्म छोले पूरी दुकान वाले भैया की रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए।